नाश हो जाएगा फिर, वरना तो क्या हो जाएगा, विलय किसका, बैंकों का, बैंकों का विलय। अच्छा तो इसको हम देखेंगे सबसे पहले क्या, एक तो देना बैंक और दूसरी आपकी विजय बैंक, विजय बैंक, इन दोनों का राष्ट्रीयकरण विलय जो हुआ वो कब हुआ, 1 अप्रैल 2017 को किस में हुआ, ये हुआ भैया बैंक ऑफ बड़ौदा में, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ बड़ौदा में बच्चा इसका हुआ राष्ट्र विलय। फिर अगर हम बात करें तो एक बात याद रख लो, 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंकों का विलय हुआ, को का विलय। अब वो कौन सा है बैंक है, वो हर बार डेट नहीं लिखी जाएंगी, केवल आपको बताया जाएगा, ठीक है। तो जैसे ओरिएंटल बैंक, यानी ऐसा ओरिएंटल की बात में बात करेंगे, पहले भारतीय महिला बैंक और 5 SBI की सहायक बैंक, ठीक है। इन दोनों सबका विलय कहाँ हुआ, इन सबका कहाँ पर हुआ, एसबीआई में हुआ, ठीक है। इसके बाद में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, एक ये बैंक, एक आपकी बैंक होती है जिसका नाम है आपका यूनियन बैंक, यूनियन बैंक, यूनाइटेड बैंक, शायद यूनाइटेड, हाँ यूनाइटेड बैंक होती है, यूनाइटेड बैंक। इन दोनों का विलय किसमें किया गया, PNB में, PNB पंजाब नेशनल बैंक में किया गया। इसके बाद में किसका विलय किया गया था, सिंडिकेट का, सिंडिकेट का बैंक का, सिंडिकेट बैंक का विलय किसमें किया गया था, तो ये भी आपको पता है, कैनरा में, कैनरा में किया गया था, ठीक है भाई। इसके बाद में अगर बात करें तो आंध्रा बैंक, आंध्रा बैंक, और इसी के साथ साथ जो किया गया था कॉरपोरेशन बैंक, कॉरपोरेशन बैंक, इनका विलय जो किया गया था यूनियन बैंक में, किसमें किया गया था, यूनियन बैंक में, ठीक है बच्चा। अरे एक और आपका रह जाता है इलाहाबाद बैंक का, इलाहाबाद बैंक का, और इसका कहाँ गया था, इंडियन बैंक में, कहाँ गया था है, इंडियन बैंक में। तो ये वो 10 बैंक थे जिनका विलय किया गया था। और नोट करने वाली बात जो है आपको दो याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों के दोनों। पहला क्या है, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है, 12 है। और एक और लिख लो, वर्तमान में सार्वजनिक बैंकों की संख्या ये भी कितनी है, 12 है। तो बच्चा ये और आपको देखना था इसमें, चलिए इसको देख लेते हैं एक बार क्या है, एक बार इसको रिकॉल भी कर लेते हैं क्या है। देखिए बैंकों का विलय हुआ है, आपको पता है इसके बारे में। तो देना बैंक और विजय बैंक 1 अप्रैल 2017 को बैंक ऑफ बड़ौदा में गया, 1 अप्रैल 2020 को 10 बैंक हुई जिसमें से भारतीय महिला बैंक और 5 SBI की बैंक कहाँ गई, SBI में गई। फिर ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक जो है वो कहाँ गई, PNB में गई। सिंडिकेट बैंक कहाँ चली गई, कैनरा में। आंध्रा बैंक, कॉरपोरेशन बैंक कहाँ गई, यूनियन बैंक में। इलाहाबाद बैंक कहाँ गई, इंडियन बैंक में। वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या 12 है, और वर्तमान सार्वजनिक बैंकों की संख्या भी कितनी है, 12 बच्चा। तो ये था हमारा बैंकिंग सुधार या बैंकिंग